ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूएशन। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ज्योमेट्री कर रहे थे एंड नाउ इट्स टर्न फॉर ज्योमेट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का ज्योमेट्री करने वाले हैं। सो दिस इज बेसिकली ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सिंपल ज्योमेट्री कर चुके हैं, मॉडुलस का ज्योमेट्री कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर ज्योमेट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है एंगल मेड बाय द वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू जेड। मतलब इफ दिस पॉइंट इज जेड, देन दिस वेक्टर वी कैन कॉल इट ओपी। ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बट पॉइंट जो जेड है उसको ओरिजिन से क्यों ज्वाइन करते हैं? वेयर डू वी सी ओरिजिन? एक्चुअली वी सी इट हियर, जेड माइनस जीरो, जस्ट लाइक मॉडुलस। मॉडुलस में भी ऐसा ही किया था मैंने। सो इन जनरल व्हाट आई कैन से that argument of z1 minus z2 is angle, argument of z1 minus z2 is angle made by vector joining z1 and z2, joining z2 to z1। यहां देखना, जीरो से z की तरफ आए थे, z2 से z1, vector ज्वाइनिंग जेड टू टू जेड वन, डायरेक्शन का सेंस है जेड टू से जेड वन की तरफ जाना है विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पार्ट तो स्टैंडर्ड है, एंगल हमेशा ऐसा ही मेजर करते हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन दिस केस रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट इज नथिंग न्यू। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन वेक्टर देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, और डायरेक्शन का सेंस की वजह से लिखा है ज्वाइनिंग जेड टू टू जेड वन, जेड टू एंड जेड वन नहीं लिखा है, जेड टू टू जेड वन, सेकेंड टू फर्स्ट। वेक्टर में भी ऐसा ही होता था, इफ वी हैव टू राइट वेक्टर ए बी देन व्हाट वी राइट, बी माइनस ए लिखते हैं ना, तो बी माइनस ए वेक्टर लिखा है तो वो ए से बी होता है या बी से, एक्चुअली ए से बी की तरफ होता है। वो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 मतलब Z2 से Z1 की तरफ आपको वेक्टर को ज्वाइन करना है, दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट हियर। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर ज्वाइनिंग Z2 टू Z1 विद रियल X एक्सिस इन ACW, दैट इज ऑलवेज देयर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि एक पॉइंट है 2,1, लेट मी कॉल इट z1, एक पॉइंट है 3,-1, लेट मी कॉल इट z2। सो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2? अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ मुझे, थिंक ऑफ इट कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 है, पॉज करके और फाइंड करो इसका आर्ग्यूमेंट अप्रोक्सीमेटली क्या होगा। कैलकुलेशन से नहीं, कैलकुलेशन करके तो आप फाइंड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट करोगे आर्ग्यूमेंट निकालोगे आंसर आ जाएगा, नॉट दैट, यूजिंग द ज्योमेट्री यूजिंग द डायग्राम, लेट मी शो यू। इसका मतलब होता है जेड टू से जेड वन वाला लाइन होगा और जेड टू से जेड वन वाला जो लाइन है वो ये वाला एंगल बनाएगा, सो दैट एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री, काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री के आसपास आ रहे हैं। आपको पता है ना वेक्टर जो होता है उसको कहीं भी मूव करते हैं, नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। सो इसको यहाँ मूव कर देते हैं, नाउ यू कैन सी कि एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 100 या 110 डिग्री। सो दिस इज द एंगल। कॉम्प्लेक्स नंबर में मूव करना नहीं, सिर्फ एक सेंस के लिए कि एंगल कैसे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इसको उठा के यहाँ रखा, वेक्टर है मूव कर सकते। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। When I say argument of z1 plus z2, that will be what?
तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस माइनस जेड टू, मतलब एंगल मेड बाय द वेक्टर जॉइनिंग माइनस जेड टू टू जेड वन, ज्वाइनिंग माइनस जेड टू टू जेड वन विद रियल एक्स एक्सिस इन ए सी डब्ल्यू. इन द सेम केस इफ आई से माइनस जेड टू, माइनस जेड टू कहाँ होगा सोचो. डोंट लुक एट दिस, डोंट लुक एट द पॉइंट. ज्योमेट्रिकली कैन यू फाइंड मी इसका नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है ओरिजिन में उसका इमेज. और पॉइंट भी देखोगे थ्री कॉमा माइनस वन है, माइनस कर दोगे तो माइनस थ्री कॉमा वन आ जाएगा. दिस इज माइनस थ्री कॉमा वन, सो दिस इज योर माइनस जेड टू. नाउ फाइंड मी व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इन दिस केस. पॉज करो, वेरी नाइस आंसर, आई विल टेल यू. तो दैट विल बी माइनस जेड टू टू जेड वन एंड दैट एंगल विल बी जीरो डिग्री. एंगल इज जीरो डिग्री क्योंकि ये भी वन पे है, ये भी वन है, तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा एक, दोनों पॉइंट ज्वाइन करके. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल कुड बी जीरो और एंगल कुड बी इन्फिनिटी, बट डायरेक्शन माइनस जेड टू से जेड वन है इसलिए जीरो आया. अगर जेड वन से माइनस जेड टू होता तो 180 एंगल आता. अगर केस ऐसा होता तो फिर एंगल क्या बोलते हैं, इसको मूव किया यहां एंड दिस एंगल वुड बी 180 नॉट जीरो. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट. देन इफ आई से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन equal to argument of z2, it means what? So when I say argument of z1 equal to argument of z2, मतलब दोनों angle same है, दोनों angle same है, मतलब दोनों line, दोनों vector same angle form कर रहे. तो if both the vectors are making same angle, z1 भी और z2 भी, इसका मतलब they lie on the same line, joining them with origin. So this will give you argument of z1 by z2. You remember this argument z1 minus argument z2 was argument of z1 by z2. Argument of z1 by z2 याद आया? Log a minus log b equal to log a by b. Log जैसा काम करते हैं. Equal to zero. So when we are given that argument of z1 by z2 equal to zero, we mean theta equal to zero. When we are given that argument z1 plus argument z2 equal to 0, this implies that argument z1 equal to minus argument z2. दोनों एंगल का सम जीरो है. तो एक एंगल अगर थीटा है तो एक एंगल माइनस थीटा होगा. थिंक ऑफ इट, वॉट वुड बी रिलेशन बिटवीन दीज z1 एंड z2. So that gives me argument of z1 z2 equal to zero. z1 z2 का argument zero है. कोई number जिसका argument zero होता है, you know that कि वो positive real axis पे lie करेगा. इसका मतलब ये z1 z2 है वो positive है और real है. और अगर कोई number real है तो दो number का product real कब होता है? दो numbers का product real कब होता है? Usually then they are conjugate. तो argument wise अगर देखेंगे तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन z1 will be z2 conjugate के direction में होगा. z1 will be in the direction of z2 bar. क्या story है? Cap लगाया मैंने, याद है आपको vector में i cap j cap लगाते. देखना, suppose this is your z1. अगर z1 यहाँ है तो आप z2 कहाँ ले सकते हो? z1 z2 के आर्गुमेंट का सम जीरो है, तो इसका आर्गुमेंट अगर थीटा है तो z2 का आर्गुमेंट माइनस थीटा लेना पड़ेगा. तो आई कैन टेक z2 हियर आल्सो. अब क्या इन दोनों के एंगल्स का सम जीरो है? यस, क्योंकि दिस इज आर्गुमेंट थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा बट आर्गुमेंट इज माइनस थीटा क्योंकि क्लॉकवाइज देख रहे. तो दोनों के आर्गुमेंट का सम जीरो है, लेकिन क्या वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं?
कॉन्जुगेट होना देखो कंपल्सरी नहीं है, जेड टू मैं इस लाइन पे कहीं भी ले लेता हूँ, एनी पॉइंट कुड बी जेड टू, कोई भी पॉइंट जेड टू हो सकता है। तो स्टोरी ये है कि जेड वन का जो यूनिट वेक्टर होगा, सपोज ये वन लेंथ का है जेड वन कैप, और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ जेड टू का कैप आ जाएगा, और जेड टू का जो कैप है वो जेड वन कैप का बार। तो दीज थिंग्स आर बेसिकली टू मच डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज आगे और भी आएगी, अभी रोटेशन फॉर्मूला में और भी क्लैरिटी के साथ आएगा। सो मेनी टाइम्स आई हैव टॉक्ड अबाउट रोटेशन फॉर्मूला, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा होता है, बहुत यूजफुल होता है, बट वो लास्ट में ही आएगा। सो दीज आर सम बेसिक आइडियाज ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ कॉन्सेप्ट इज दिस लाइन, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर जॉइनिंग जेड टू टू जेड वन विद रियल एक्स एक्सिस इन रियल सॉरी पॉजिटिव रियल एक्सिस इन ACW। ऐसे मॉडल्स में एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी क्या, and that was mod of z1 minus z2 is distance between z1 and z2। utne se sara concept khatam ho gaya tha, everything all the properties of modulus were dependent on this single concept, similarly everything of this argument geometry going to be dependent on this concept only। so I'm going to continue, so stay tuned। okay, so suppose if I give you कि argument of z equals to 30 degree, what do you mean by this? argument of z equals to 30 degree का मतलब क्या हुआ, कि z जो है उसको origin से जब join करते हैं तो वो positive real axis से 30 degree angle बनाते हैं। तो z कहाँ हो सकता है, z could be on this line or this lie segment or this ray, anywhere z could be anywhere। if you see all these points ko agar main origin se join karta hu to unka argument uska angle jo hai wo 30 degree। dekho koi bhi point is line ka join karoge origin se, origin to z, 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 कोई भी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट एंड व्हेन वी जॉइन फ्रॉम ओरिजिन दैट विल बी मेकिंग एन एंगल 30, मींस जेड इज एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, सो व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट लोकस ऑफ जेड इज अ रे, लाइन नहीं बोल सकते, हालांकि ऑप्शन में लाइन लिखा हुआ आएगा, आंसर भी हो सकता है लाइन हो, रे का यूज नहीं करते, बट एक्चुअल में इट इज अ रे। अब रे है तो हमें क्या चाहिए होगा, रे के लिए हमें उसका डायरेक्शन चाहिए होता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा एट एंगल 30 डिग्री के एंगल पे जाएगा। अब वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन ACW, वो तो स्टैंडर्ड है, ऐसा ही होना है। इफ आई टेल यू कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू प्लस थ्री आई इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन व्हाट विल यू से, देन यू विल से कि आर्गुमेंट इज 120, सो द वेक्टर ज्वाइनिंग माइनस टू प्लस थ्री आई टू जेड, नो ये जेड माइनस टू माइनस थ्री आई, तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू माइनस थ्री आई टू जेड विल मेक एन एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब समथिंग लाइक दिस, ये वाले रे हो गए, और रे स्टार्टिंग एट 2 माइनस 3 आयोटा एट एंगल 120 वेर पॉजिटिव रियल एक्सिस इन ACW, थिंक ऑफ इट, एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट इज कि आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अल्फा। अभी तक थीटा लिखते आए थे, यहां अल्फा लिखा है वाई, बिकॉज थीटा यूज फॉर वेरिएबल एंगल, अल्फा बीटा गामा यूज फॉर फिक्स एंगल। इट इज सेम लाइक एक्स को एक्स वाई यूज करते हैं हम वेरिएबल के लिए, ए बी सी डी यूज करते हैं फिक्स नंबर के लिए, तो यहां भी वही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिक्स एंगल के लिए। तो अल्फा बोलने का मतलब फिक्स एंगल है, समथिंग लाइक दिस, और थीटा बोलने का मतलब वेरिएबल एंगल है, अनटिल स्टेटेड अदरवाइज। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि एक वेक्टर होगा जेड नॉट से जेड को ज्वाइन करता हुआ, वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल फॉर्म करेगा। दिस इज योर जेड, दिस इज योर रे। तो आई कैन से आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंट्स रे स्टार्टिंग एट जेड नॉट एट एंगल अल्फा विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इन ACW डायरेक्शन। सो दिस इज योर एवरीथिंग, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस पार्ट। सो दिस इज अ लोकस विच रिप्रेजेंट्स अ रे, रे रिप्रेजेंट करता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, एक और एग्जाम्पल लेते, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस वन इक्वल्स टू 45 degree, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस वन प्लस आयोटा इक्वल्स टू 45 degree। ड्रॉ करो जरा सब लोग इसको, एवरीबडी ड्रॉ दिस कि वॉट रे विल बी दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंट्स और रे, तो ये भी रे रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा रे रिप्रेजेंट करेगा दैट वी नीड टू सी। एंड दिस वुड बी, ध्यान से देखना कहां से स्टार्ट होगा, वन प्लस आयोटा से, एक्चुअली नो, इट विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस वन माइनस आयोटा, क्योंकि हमें जेड माइनस जेड नॉट चाहिए होता है। तो बाय नाउ यू वुड बी नोइंग कि माइनस वन माइनस आई कैसे आएगा, और एंगल क्या है 45 degree, और 45 degree एंगल पे अगर जाएगा तो कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज आर रे, स्टार्टिंग एट माइनस वन कॉमा माइनस वन एंड गोज अप टू इंफिनिटी एट एंगल 45 degree। अगर 0 degree दिया होता तो हॉरिजॉन्टल जाता, 90 दिया होता तो वर्टिकल जाता, 120 होता तो 120 एंगल पे जाता, 180 होता तो पीछे की साइड जाता 180 की तरफ, 270 होता तो नीचे की तरफ जाता, वट एवर एंगल। सपोज 1080 दिया होता तो 1080 इज नथिंग बट 0 degree, बिकॉज कोई भी एंगल में से 360 का मल्टीपल 2π का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, तो 6π जैसा हुआ वो 1080 इज बेसिकली 360 × 3, मतलब 1080। तो तीन बार चक्कर घूम के आओगे, मतलब अल्टीमेटली 0 degree पे ही आने वाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता। सो दिस इज वन पार्ट, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंट्स और रे स्टार्टिंग एट जेड नॉट एट एंगल अल्फा। वन लास्ट एग्जांपल, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू इक्वल टू 30 degree एंड mod of z minus 2 equal to 3. Number of point of intersection क्या होगा? This is actually 2. कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 और z का बहुत लोचा रहता है, तो ऑलवेज टेक केयर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में 2 अगर हो तो थोड़ा मिसमैच ना हो जाए, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, सो कीप इट क्लियर। सो पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई टू फाइंड व्हाट वुड बी द आंसर, आई एम गोइंग टू डू दैट। फर्स्ट पार्ट इज गिविंग मी अ रे स्टार्टिंग एट 2,0 एंड एंगल 30 degree, एंड सेकेंड इज गिविंग मी अ सर्कल सेंटर्ड एट 2 एंड रेडियस 3, मतलब समथिंग लाइक दिस।
So how many solution do you see? How many intersection do you see? I see only one solution. So there is only one solution to these two equation and khatam. अगर आप कहीं फंस गए किसको x प्लस आई वाई में रखना है और फिर दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर सोल्यूशन निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज इन दैट केस यू विल गेट टू पॉइंट्स. फिर चेक करना कि उसका आर्गुमेंट 30 है या नहीं है वो समझ में नहीं आता है, वो दिमाग में नहीं आता है बिकॉज हम तो सीधा सीधा इक्वेशन आया सॉल्व किया आंसर आया काम करते हैं. But that should not be there. So accuracy is very important in drawing the diagram. And even before that, drawing the diagram, making the diagram is और भी ज़्यादा important. और उससे भी ज़्यादा important क्या है? वो thought कि हमें diagram बनाना है. Diagram बनाना है ये दिमाग में होगा तो ही you will be starting to make the diagram. फिर अच्छा डायग्राम बनेगा खराब बनेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अच्छा बनेगा. अच्छा बनेगा पहली बार में ही आपको उसका पूरा का पूरा यूज समझ में नहीं आएगा बट धीरे धीरे जब डायग्राम बनाते रहेंगे कोशिश करते रहेंगे देखते रहेंगे तो पता चलेगा कि हाँ डायग्राम देखा और आंसर आ गया. तो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल टू ऑलवेज रिमेंबर टू मेक द डायग्राम. सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सो स्टे ट्यून्ड. ओके so now I am going to give you one more mod of z minus z1 upon argument of z minus z1 upon z minus z2 equal to alpha. This represents arc of a circle represents arc of the circle Z1 and Z2 are ends of a chord. मतलब वो सर्कल के पॉइंट होंगे will be ends of a chord. और ये जो chord है that will be subtending alpha angle at circumference. So this would be an arc of the circle. जिसमें Z1 and Z2 will be ends of the chord subtending alpha angle at the circumference. ध्यान से बात को सुनना. आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 का मतलब क्या होता था? लॉग की तरह काम करता था. फॉर्मूला था आर्गुमेंट Z1 minus आर्गुमेंट Z2. तो इफ आई से आर्गुमेंट ऑफ Z minus Z1 upon Z minus Z2, we mean आर्गुमेंट ऑफ Z minus Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड टू. कोई डाउट? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड. चेक करो ध्यान से बोलो सेम है या नहीं है बिकॉज ये एक्चुअली यहां से आएगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड अपॉन जेड टू माइनस जेड. What is this? Individual. This is the angle made by the line joining Z to Z1. Angle made by the vector joining Z to Z2. Or in this case. So finally, ye clear ho gayi baat? Okay. So this is what angle made by the vector joining Z1 to Z and joining Z2 to Z. Let me give you one case. Suppose ये Z1 है और ये Z2 है. ये Z है and this angle is alpha and This is alpha. बोलो ये true है या false है, सही जगह पे मैंने z draw किया है या नहीं किया है. So idea is, let me draw horizontal line also. Argument of z minus z1, मतलब z1 से z वाला line का angle. z1 से z वाला जो line है, वो वाला angle. Let me call it A. Minus z2 से z वाला, z2 से z वाला जो vector है, That will make angle B.
जेड वन से जेड वाला जो था उसने ए एंगल फॉर्म किया, और जेड टू टू जेड इस डायरेक्शन में, तो ये अपने बी फॉर्म किया. उन दोनों का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी. इन दिस केस टेल मी व्हाट इज ए माइनस बी. इन दिस केस दिस अल्फा इज एक्चुअली ए माइनस बी. पॉज करो वीडियो को और पुराना अपना बचपन का ज्योमेट्री दिमाग में लगाइए और थिंक अबाउट इट कि ये क्या होगा. सो आइडिया इज कि इफ यू सी ये बीटा है, सॉरी बी है और अल्फा है, और इस एंगल को क्या बोलेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, 1 2 3 इतना बड़ा ट्राइंगल जो है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में ये बी है, ये अल्फा है, एंड दिस एंगल इज पाई माइनस ए. Should be equal to pi. बोलो yes or no. तीनों angles का sum triangle का pi होना चाहिए. Pi pi cancel हो गया. तो what do we get about alpha? Alpha is a minus b. Or you can also say, अगर आपको पता है कि दो internal angle का sum opposite external के sum के equal होता है, तो a will be alpha plus beta. तो alpha is a minus b and that is a minus b and that is exactly correct. So this is the idea. Now what you need to understand, keep very important point, ki z1 se z hote hue we go to z2, z1 se z2. Acha, this part will not be there, only part of circle, only arc of circle will be there. Kyunki yahan pe angle kya hone wala hai, yahan pe angle hone wala hai पाई माइनस अल्फा. लेट मी टेल यू समथिंग मोर. वी नो दैट कि सर्कल के सेक्शन का एंगल सेम होता है, मतलब ऑल दीज एंगल्स विल बी अल्फा. इसलिए लोकस में ये सारे पॉइंट आएंगे, ऑल दीज पॉइंट, दैट्स वाई लोकस इज आर्क ऑफ द सर्कल. बट अगर ये वाला पोर्शन लोगे तो एंगल क्या आएगा, एंगल विल बी पाई माइनस अल्फा. इफ यू रिमेंबर, एक तरफ अल्फा बनता है तो दूसरी तरफ पाई माइनस अल्फा बनता है. सो आइडिया इज कि z1 से z होते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे जो, और z2 की तरफ जाएंगे, दैट हैज टू बी एंटी क्लॉक वाइज. दैट यू नीड टू रिमेंबर. वेन एवर वी मूव फ्रॉम z1 टू z2, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉक वाइज. दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट. Let's solve one question. Suppose we are given that argument of z minus 1 upon z plus iota equals to 45. Argument of z minus 1 upon z plus iota equal to 45. Now, one more thing you need to remember. Keep सर्कमफेरेंस पे अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, सबटेंडिंग एंगल अल्फा एट सर्कमफेरेंस. एंड एवरीबडी नो वन थिंग, सर्कमफेरेंस का अगर एंगल अल्फा है तो सेंटर का एंगल क्या होता है. इफ सम कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अल्फा एंगल एट सर्कमफेरेंस, देन इट विल सबटेंड टू अल्फा एट द सेंटर. सेंटर पे एंगल जो होता है वो सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है. एवरीबडी शुड नो दैट. और किसी भी क्वेश्चन में सर्कल के सर्कमफेरेंस का एंगल इज यूजुअली नॉट इंपॉर्टेंट टू अस. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस इज एंगल एट द सेंटर. सेंटर पे ही काम अच्छा होता है क्योंकि सेंटर यूनिक होता है, सर्कमफेरेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं. तो इफ यू कैन फाइंड द सेंटर इफेक्टिवली यू विल बी एबल टू ड्रॉ द आर्क. तो आपको सेंटर पे फोकस करना है, सर्कमफेरेंस पे नहीं. दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ दिस पहला पॉइंट क्या है, जेड वन, दैट इज वन है, मतलब 1, 0, लेट मी कॉल इट ए. और बी है आयोटा, एक्चुअली माइनस आयोटा, एंड दैट इज यू बी. सो दिस इज द कॉर्ड that is subtending 45 degree at the circumference. और 45 अगर circumference पे है तो center पे क्या होगा, center पे 90 degree होगा. Also one more thing,
जो सेंटर होता है दैट इज ऑलवेज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड. सेंटर ऑलवेज लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड. इस लाइन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो ये लाइन आएगी. तो सेंटर हैज टू लाइ ऑन दिस लाइन. ए बी कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे 45 डिग्री एंगल बनाता है. सेंटर पे क्या बनाएगा 90. कोई पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे ए बी 90 डिग्री फॉर्म करता हो? एनी पॉइंट ऑन दिस डॉटेड लाइन वेयर दिस लाइन सेगमेंट ए बी दिस कॉर्ड ए बी सबटेंडिंग 90 डिग्री. यस, एक तो क्लियर है ओरिजिन ही है. देखो ओरिजिन पे 90 बन रहा है. और एक पॉइंट देखो यहां नीचे भी आएगा. सो देयर आर टू पोजीशंस पॉसिबल फॉर सर्कल, एक सी और एक सी डैश. अगर मैं सी डैश को मानता हूं तो ऐसा सर्कल बनेगा, और सी को सेंटर मानूंगा तो ऐसा सर्कल बनेगा. नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी द वन वेयर जेड वन जेड जेड टू आर इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. मतलब ए से बी की तरफ एंटी क्लॉक वाइज आना है, मतलब नीचे वाला केस नहीं हो सकता है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देयर कुड बी ओनली दिस पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑलवेज कॉर्ड तो फिक्स है. चलो ए बी, अब एंगल 30 डिग्री बनाना है तो आप 30 डिग्री ऊपर भी बना सकते हो और 30 डिग्री नीचे भी बना सकते हो. बट बनाएंगे कहां पे? ओनली वन साइड, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर द स्टार मार्क किया हुआ मैंने एस्ट्रिक से. जेड वन जेड जेड टू शुड बी इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ये सर्कल का सेंटर बता सकते हैं आप? ऑलरेडी गिवन है ओरिजिन. ये सर्कल का रेडियस बता सकते हैं कोई? ऑलरेडी मार्क्ड है वन. देखो ये तो रेडियस होगा, ये सेंटर है. सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट लेंगे तो दैट विल बी रेडियस. तो ये वन हो गया, ऐसे वन हो गया. द रेडियस इज वन, सेंटर इज एट ओरिजिन. और अगर नीचे वाला केस होता तो, अगर मैं माइनस 45 बोल दूंगा तो, माइनस 45 बोलने का मतलब ये पूरा रोटेशन आ जाएगा एंड दैट गोज हियर. सो दैट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट. सो दिस is your second application of argument. पहला क्या था? Argument of z minus z not equal to alpha is your ray. And second, argument z minus z1 upon z minus z2 equal to alpha is arc of the circle. So this is one more application of argument. तो argument में mainly ये दो applications ही होते हैं, एक ray और एक circle. So you have to remember this कि यहां Z1 से Z2 की तरफ एंटी क्लॉक वाइज आना है. सर्कमफेरेंस पे एंगल अल्फा होगा, बट फॉर अस एंगल एट सेंटर इज मोर इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, सर स्टे ट्यून्ड. ओके, सो लेट मी राइट वन मोर एग्जांपल. आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस वन माइनस आयोटा अपॉन Z माइनस टू इक्वल्स टू 30 degree, something like this. What can we say? What is Z1? Z1 will be 1 minus I. Actually, no. That will be minus 1 plus I. Minus 1 plus I will be here. That is your A. And B is minus 2. नहीं होगा, वो plus 2 होगा. Z minus Z2 होता है. और plus 2 आएगा यहाँ. अब सर्कमफेरेंस पे 30 डिग्री है तो सेंटर पे 60 डिग्री होगा. तो दिस इज योर कॉर्ड. सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता हुआ आपको वो सर्कल का आर्क बनाना है. सो पॉज कर लो, सॉल्व करो. ड्रॉ मतलब सॉल्व क्या करना है? ड्रॉ करना है बेसिकली. तो पॉज करके ड्रॉ करो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. सो द होल आइडिया इज फर्स्ट थिंग कि सर्कल ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा. सर्कल ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? तो एक्चुअली में ए से बी एंटी क्लॉकवाइज आते. ये तो क्लॉकवाइज हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो सर्कल नीचे बनेगा. इसका मतलब इसका सेंटर भी नीचे होगा. मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर बनाते. बहुत एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देख के रहना ना. सेंटर जहां भी होगा वहां एंगल 60 होना चाहिए, बट सेंटर पता नहीं है तो वहां पे 60 बना नहीं सकते.
तो टेल मी, अगर यहां 60 है तो यहां एंगल क्या होगा? अगर यहां 60 है तो यहां 60-60 ही होगा. थिंक ऑफ इट. ये लाइन है, अगर यहां 60 रखना है और ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों इक्वल एंगल ही होंगे, और इक्वल एंगल ही हैं इसका मतलब वो भी 60-60 होंगे. तो इससे 60 डिग्री का एक लाइन बना लो और यहां से 60 डिग्री का एक लाइन बना लो जहां आएगा, एंड दैट विल बी योर सेंटर. अब ये सेंटर और ये सी ए या सी बी को रेडियस मान के वी विल ड्रॉ अ सर्कल. डॉटेड पार्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस. सो व्हाट वी सी दैट कि दिस आर्क ऑफ द सर्कल, ऑप्शन में आर्क ऑफ द सर्कल शायद ना भी दिया हो, सीधा सर्कल दिया होगा, दैट विल डू, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सर ने तो आर्क बोला था, आर्क तो ऑप्शन में नहीं है तो मैं नाना बीज लगा देता हूं, यह आंसर गलत है. सर्कल होगा तो सर्कल पिक करेंगे, चलेगा. सर्कल हो या पार्ट ऑफ सर्कल हो, दैट्स ऑल राइट. हाँ, सर्कल के साथ आर्क ऑफ द सर्कल भी दिया होगा तो आर्क ऑफ द सर्कल पिक करेंगे, तब सर्कल पिक नहीं करेंगे. सो दिस इज योर होल आइडिया. अभी 30 डिग्री कहां है? वेयर इज दिस 30 डिग्री? दिस 30 डिग्री विल बी एट ऑल दीज पॉइंट्स. कोई भी पॉइंट ले लो, लेट मी टेक दिस पॉइंट. सो 1 एंड 2, तो ऊपर क्या है? पी ए बाई पी बी. सो पी ए का एंगल माइनस पी बी का एंगल 30 होना चाहिए. पी ए का एंगल मतलब, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, एपी का एंगल बीपी का एंगल एक ही बात है. जेड माइनस जेड वन बोलो तो जेड माइनस जेड टू बोलोगे तो जेड टू माइनस जेड. सो आइडिया इज कि ए से पी की तरफ, सॉरी, पी से ए की तरफ और पी से बी की तरफ, इनके बीच का एंगल क्या होगा? पी ए वाला एंगल माइनस पी बी वाला एंगल. तो पी ए वाला, अगर मैं बोलता हूँ ये हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ, तो ये पी ए वाला एंगल, ये पी बी वाला एंगल, सबट्रैक्ट किया तो दिस एंगल वी गॉट एंड दिस एंगल इज व्हाट? 30 डिग्री. सो दैट इज द होल आइडिया. एट एवरी पॉइंट, ऑल दीज पॉइंट्स, हर पॉइंट पे एंगल 30 डिग्री ही होना है, एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ लोकस. At every point, this will make angle 30 degree. So you need to understand, you need to remember this. Ki argument z minus z1 upon z minus z2 equal to alpha represents a circle. That तो याद आ जाएगा, वो problem नहीं है. Problem आएगा कि z1, z2 ends of chord होते हैं और वो chord circumference पे alpha angle subtain करता है, and 2 alpha at center. और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि Z1 से Z2 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, आप क्लॉकवाइज नहीं जा सकते. लेट्स डू वन मोर. चल सब लोग ये ट्राई करें. आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z माइनस I अपॉन Z प्लस I इक्वल टू 45. पॉज करो वीडियो को और इसको ड्रॉ करो. आई एम गोइंग टू सॉल्व. तो A पॉइंट इज एक्चुअली आयोटा एंड B पॉइंट इज माइनस आयोटा. सर्कमफेरेंस पे 45 है, सेंटर पे 90 होगा और सेंटर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा. बोलो ये सर्कल लेफ्ट में बनेगा या राइट में बनेगा? लेफ्ट में या राइट में? सो एक्चुअली ए से बी एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो राइट में बनेगा, नहीं लेफ्ट में बनेगा. अब यहां पे 90 डिग्री बनाना है तो यहां पे 45 और यहां से 45, दिस विल बी योर सेंटर. And so this will be your circle. What is center of the circle? And the center of the circle is minus 1, 0. ध्यान से देखना, यहाँ पे 90 था, ये दोनों 45 हैं, ये 45, 90, right angle isosceles, ये 1 था तो ये भी 1 होगा. तो center is minus 1, 0 and radius. No, it is not one. ये radius है, which is Pythagoras से 1 square + 1 square का root, मतलब radius will be √2, and that is the whole idea about this profile. Thank you.